हेलो एवरीवन, कुकिंग विद पूजा में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं बेसन गट्टे की सब्जी बनाऊंगी और ये बारिश के दिनों में जब हमें कोई सब्जी समझ में ना आए तो हम इस तरीके से बेसन गट्टे की सब्जी बना के सर्व कर सकते हैं। और ये बारिशों में खाई जाने वाली बहुत अच्छी बहुत यमी सब्जी है और इसे बहुत हेल्दी भी है और बहुत टेस्टी लगती है। बच्चों को ये काफ़ी पसंद है। इसके लिए हम बेसन गट्टे की सब्जी बनाने के लिए हम 1-2 कटोरी बेसन लेंगे और इसमें हम नमक स्वाद अनुसार, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी और हम अजवाइन आधी चम्मच और मंगरेला लेंगे हम आधी चम्मच और इन सबों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे हाथों से। और इसमें हम 1 चम्मच दही डालेंगे जिससे यह काफ़ी सॉफ्ट बनेगा ये गट्टा। इसके लिए हम 2 चम्मच इसमें दही डाल देंगे और 1 चम्मच हम इसमें सरसों का तेल डाल देंगे और इसमें पानी डाल के हम इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। हाथों से मिक्स करके आटा का डो तैयार कर लेंगे, एक जैसे हम रोटी बनाते हैं उतनी थोड़ी सी सख्त। और इधर हम पानी गर्म होने के लिए कढ़ाई में चढ़ा देंगे। जब तक हमारे पानी में उबाल आएगा ये हम आटा ये इसका डो बना के रेडी कर लेंगे आटा के जैसे। अब हम हाथों से छोटी छोटी लोइयां बना के इसे लंबी लंबी कर लेंगे और लंबी लंबी करके सबको एक साथ रख देंगे। और इधर हमारा पानी भी अच्छे से उबाल आ गया है पानी में। अब हम एक एक करके सारे गट्टे को डाल देंगे और इसे ढक के पकने के लिए देंगे जब तक हमारे गट्टे अच्छे से पक के ऊपर की तरफ ना आ जाएं और ये थोड़े फूल जाएंगे, मोटे मोटे हो जाएंगे उबलने के बाद और ऊपर के साइड में आ जाएंगे। हमारे गट्टे बन के रेडी हो गए हैं। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और पीस पीस करके इसे इसकी पीस काट लेंगे छोटी छोटी। आपको जैसी काटनी आप उस हिसाब से काट सकते हैं, लंबी छोटी जैसी भी। और अब हम दही लेंगे और इसे अच्छे से हम फेंट लेंगे दही को। इसमें हम थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसमें हम तीखी वाली लाल मिर्च देंगे और थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्ची भी। अब हम आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर और इसमें हम 2 चम्मच बेसन डालेंगे और डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इधर हम कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रखेंगे। जब तेल हमारा गरम हो जाए तब हम इसमें जीरा, सूखी लाल मिर्ची और 1 तेज़ पत्ता डालेंगे और इसे अच्छे से चटकने देंगे। फिर इसमें हम हींग डालेंगे 1 चुटकी और जब ये अच्छे से इसमें उबाल आ जाए फिर हम इसमें जो कढ़ी बनाए हैं वो डाल देंगे हम दही के घोल को और अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे और इसमें उबाल आने के लिए देंगे। अब हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे हम आधी चम्मच जिससे इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा और इसे अच्छे से हम भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। अब जब इसमें उबाल आ जाए फिर हम इसमें गट्टे को डाल देंगे और हम इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे। ये बन के हमारा रेडी हो गया। अब हम इसमें धनिया की पत्ती डालेंगे और ये गट्टा हमारा बन के रेडी है। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और ये खाने में काफ़ी यमी है, एक बार ज़रूर इस तरह से बना के ट्राई करें। और इसे मैंने रोटी के साथ सर्व किया, आप चावल के साथ भी खा सकते हैं और ये बच्चों को भी काफ़ी पसंद आती है, एक बार ज़रूर बना के इसे ट्राई करें।